अस्सलाम वालेकुम, कैसी है जी आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। तो ये देखें जी, बर्मिंघम स्ट्रेफर्ड रोड पे चांद रात जो है आज हो रही है। चांद रात के लिए स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे जगह जगह मेहंदी के। ये कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ घूम फिर के, ये चलें आप लोग भी देख लें। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। चूड़ियों के स्टॉल्स थे यहाँ पे लगे हुए, मेहंदी चूड़ियाँ हर चीज़, बस लोग घूम फिर के देख रहे हैं। और हम लोग भी बस आए थे कि चलो मेहंदी चूड़ियाँ कुछ देखनी है तो देख लें। बस बच्चियों को लेके आई थी मैं, लड़कियों को शौक होता है तो इसलिए मैंने कहा चलो इनको भी लेके जाती हूँ। तो चलो लेना तो जो लेना होगा वो ले लेंगे। तो फिर इन्होंने बस जो लिया वो भी आपको एंड पे दिखाऊंगी। यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल भी लगे हुए थे, मेहंदी लगवा रहे थे लोग और बस कुछ ऐसे ही हल्ला गुल्ला हो रहा था बस। तो फिर हमने सोचा हम भी चले निकलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है चांद रात को, क्योंकि पिछले 2 साल से तो ये देखें ये लाइट्स बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। तो यहाँ पे बस बारबेक्यू भी लगा हुआ था, काफ़ी लोगों ने अच्छी रौनक लगाई हुई थी स्ट्रेफर्ड रोड पे, अच्छा खासा अच्छा लग रहा था। तो हर कोई निकला हुआ था बाहर, पर मुझे ये नहीं समझ आती लेडीज़ को निकलना चाहिए, लड़के हैं भी मुँह उठा के औरतों से ज़्यादा मर्द निकले हुए थे, जैसे इन्होंने ज़्यादा मेहंदियाँ लगा। पर anyway, तो यहाँ पे कुछ सेल्स ऑफर्स कुछ भी लगा हुआ था। ये देखें मेहंदियों के स्टॉल्स कैसे लगे हुए हैं। तो बस ये देखें जी, हल्ले गुल्ले बस हो रहे हैं, लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, कुछ चैरिटी की चीज़ें लगी हुई हैं। रोड पे कुछ रौनक है, लेडीपुर रोड तो डेड था, यहाँ पे कुछ है अच्छी खासी रौनक। मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ, आगे चलते हैं आगे जाके भी देखते हैं। Not a shop, this one is, that's just like dessert shop or food shop, something like that. चांद रातें वो नहीं होती जो बड़े सालों पहले होती थी, अभी तो लेडीपुर रोड तो डेड है। और यहाँ भी इतना कुछ कोई नहीं है, पूरा स्ट्रेफर्ड रोड हमने फिर लिया।
लेकिन ये है कि है। जी ये एक है नेकलेस जो रुबाब ने लिया है, इट्स द बोथ सेम वन सिल्वर वन एंड हैड दिस। ये लिया है जी रुबाब ने। अच्छा देखिए दोनों सेम है, दोनों की प्राइसेस में डिफरेंस है, ये मैं कल उठे देखी। अच्छा ये एंकल पजेबे ली है एना ने, इसे आए तो है ना गौर। तो ये ईमान ने दो एयर रिंग्स लिए हैं, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये बड़े अच्छे लगे थे, फिर इनको वहाँ पे ना पसंद भी नहीं आते, फिर कह देती है मम आप चूज़ करो, तो फिर ये मैंने ही इसको चूज़ करके दिए थे। और उसमें से बड़े प्यारे प्यारे से ये एयर रिंग्स हैं, ये देखें अगर बाबा आपको दिखाए, मैं यहाँ पर रखती हूँ, इस तरह दिखाए जाएंगे। ये देखें एक ये जो ईमान ने लिए थे नज़र आ रहे हैं ना, एक ये वाले लिए थे इसने, और एक ये छोटे छोटे इसने रेड और गोल्ड में लिए चुमकियाँ। तो ये दो इसने लिए हैं, तो ये मैंने सोचा कि आपको ना मैं ये चीज़ें अब इनकी दिखा दूं, क्योंकि कल फिर माशाल्लाह ईद है, मेहंदियाँ हमने लगवा ली हुई हैं, तो चांद रात बस चांद रात की हम लोग चांद रात कर रहे हैं। ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लगी है, अच्छी लगी है ना मेरी मेहंदी। तो बाकी अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ऐसी हर किसी को ईदें देखनी नसीब करे, अल्लाह खुशियां देखनी नसीब करे। तो बस मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए। तो चलें जी, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपने चांद रात पर क्या क्या किया, क्या क्या तैयारियाँ की, आपने सब कुछ कर लिया या अभी कुछ बाकी है। तो चले मिलते हैं कल आपसे, अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़।